जॉब पोर्टल का झांसा, युवा के हाथ निराशा। प्रधानमंत्री 11 जुलाई को गाजे बाजे के साथ जॉब पोर्टल की शुरुआत करते हैं। माहौल कुछ यूं बनाया जाता है, लंबा भाषण पेला जाता है, जैसे जॉब पोर्टल से करोड़ों रोजगार दे दिए जाएंगे। गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों के। प्रधानमंत्री के जुमला पोर्टल में 59 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से सिर्फ 7,700 लोगों को रोजगार मिल सका। 14 अगस्त से 21 अगस्त के आंकड़े प्रधानमंत्री के जुमला पोर्टल की हकीकत उधेड़ कर रख रहे हैं। इस दौरान 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और रोजगार मिलेगा सिर्फ 691 लोगों को। प्रधानमंत्री के हर साल 2 करोड़ रोजगार के झूठ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के लिए सत्ता का मतलब सिर्फ झूठ बोलने का आसन होता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। बेरोजगार युवा के बारे में कब सोचेगी सरकार? या सिर्फ युवा मतदाता को देशभक्ति के जाल में फंसाकर वोट लेने का तरीका मोदी सरकार को मिल चुका है? देश के बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, झूठ नहीं। झूठ तो हर चुनाव में मोदी जी के मुंह से सुन ही लेते हैं। अगली बार युवा का नारा होगा, रोजगार दो वोट लो।